एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पत्रकारों के सवालों से बौखलाए नगीना सांसद। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, उन्होंने कहा है क्या भरोसा कौन पत्रकार गोली मार दे नगीना सांसद। चंद्रशेखर आजाद का एक विवादित बयान सामने आ रहा है, जहां उन्होंने पत्रकारों के सामने बौखला गए और उन्होंने कहा है कि क्या भरोसा कौन पत्रकार गोली मार दे। बड़ी खबर एक हरिद्वार से आ रही है, साथ में मौजूद रहे विधायक खानपुर विधायक उमेश कुमार भी साथ में उनके मौजूद रहे। आपको बता दें नगीना सीट से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, पत्रकार से वार्ता करते समय वो बौखला गए और एक बड़ा ही विवादित बयान उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि क्या भरोसा कौन पत्रकार गोली मार दे, ये कहना है जो सांसद चंद्रशेखर आजाद का। एक बड़ी खबर ये हरिद्वार से आ रही है, जब पत्रकारों के सवालों से बौखलाए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने पत्रकारों के सवालों से बौखलाते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि क्या भरोसा कौन पत्रकार गोली मार दे। खबर जो सामने आ रही है, पत्रकारों के सवालों से बौखला गए नगीना सांसद और उन्होंने ये एक बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है, जहां उन्होंने पत्रकारों को हत्यारा बता दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या भरोसा कौन पत्रकार कब गोली मार दे, विवादित बयान चंद्रशेखर आजाद ने दिया है। हम आपको बता रहे हैं हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें हरिद्वार से बड़ी खबर जो सामने आ रही है, सांसद चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सीट से सांसद हैं, उन्होंने बेहद ही विवादित बयान दिया है, जहां उन्होंने पत्रकारों को हत्यारा बता दिया है और उन्होंने कहा है कि क्या भरोसा है कौन पत्रकार गोली मार दे। ये बड़ा सवाल और बड़ा विवादित बयान जो उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान दिया है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया। हमारे साथ संवाददाता सलमान मलिक मौके से जुड़ चुके हैं पूरे मामले की विस्तृत जानकारी के लिए। सलमान, ये पूरा क्या मामला है जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकारों को हत्यारा करार दिया है, ये एक बड़ा विवादित बयान सामने आ रहा है, क्या कुछ मामला है ये पूरा? देखिए, हम आपको बता दूं कि कल बीते शनिवार को दो मामलों को लेकर जो है खानपुर विधायक और चंद्रशेखर आजाद जो है हरिद्वार SSP कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर उन्होंने दो अलग मामलों को लेकर पुलिस पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से कुछ जो दो मामले हुए हैं उनमें पुलिस जो है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही, जिसको लेकर उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। हालांकि उनकी मांगे मानी भी गई, लेकिन वहां पर जिस समय धरना समाप्त हुआ और उसी के बाद जो है पत्रकारों ने उनसे वर्जन जानना चाहा, उनकी बाइक लेना चाहा, यानी कि उनसे सवाल जवाब किया, तो वहीं अचानक से ही जो है चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से बौखला गए और उन्होंने पत्रकारों के साथ जो है अभद्र टिप्पणी करते दिखाई दे। हालांकि उन्होंने अतीक अहमद से अपनी टिप्पणी की है, जो माफिया अतीक अहमद रहे हैं, उनसे अपनी जो है उन्होंने अपने आप के ऊपर उन्होंने अतीक अहमद का हवाला देते हुए कहा कि पत्रकार न जाने किसको कहां क्या गोली मार दे, हालांकि पत्रकार तो हत्यारे होते। इस तरीके का जो विवादित बयान है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हरिद्वार जिले के तमाम पत्रकारों में भारी रोष है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस तरीके को लेकर हालांकि जो पत्रकार है जिनके साथ ही अभद्रता की है, उनका ये कहना है कि इस मामले को लेकर वो कार्रवाई कराएंगे और इसमें जो है कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन से भी इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण का जो बयान आया है उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये भी साबित हो रहा है, ये भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि चंद्रशेखर रावण को कहीं ना कहीं अपनी जो है मौत का डर है, उन्हें कोई गोली मार सकता है। इस तरीके का उन्होंने बयान जिस तरीके से दिया है तो कहीं ना कहीं से परिचित होता है कि उनको खुद को अपनी जान का खतरा है कि आखिर कोई भी इनको कहीं भी किसी तरीके के जान को हानि पहुंचा सकता है, तो उसी को लेकर उन्होंने पत्रकारों पर ही इस तरीके की टिप्पणी कर दी कि क्या पता कोई मुझे गोली मार दे, पत्रकार जो है हत्यारे होते हैं और अतीक अहमद को भी पत्रकारों ने गोली मार दी, तो इस तरीके का हवाला देते हुए उन्होंने जो है ये टिप्पणी की है, उसी को लेकर जो है पत्रकारों में भारी रोष है और सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल हुआ है उसी को लेकर तमाम जो सोशल मीडिया पर जुड़े लोग हैं वो भी अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते दिखाई दे रहे हैं। जी, और आपने बताया कि पत्रकारों ने कार्यवाही करने का कहा है कि पत्रकार इस पर कार्यवाही करेंगे, तो क्या कुछ कार्यवाही पत्रकार इस पर कर सकते हैं इस पूरे मामले में? और उन चंद्रशेखर आजाद ने मत से तुलना की उन्होंने खुद की, तो ये वो एक जनप्रतिनिधि है, खुद की तुलना एक माफिया से करना कहाँ तक सही है?
देखिए सरासर ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इस तरीके से जो है खुद को एक माफिया के तौर पर तुलना की गई है और वहां पर जो है पत्रकारों को ही हत्यारा बताया गया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है एक स्वतंत्र यानी कि पत्रकारों के साथ, स्वतंत्र जो पत्रकार होते हैं उनके साथ इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है। उसी को लेकर जो है पत्रकारों में भारी रोष है, हालांकि वो एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, हालांकि उनका ये भी कहना है कि इसमें जो है उत्तराखंड के पत्रकार, उनकी मांग है कि उत्तराखंड के जितने पत्रकार हैं चंद्रशेखर रावण और इनकी पूरी पार्टी और इनके संगठन का जो है कार्य बहिष्कार करें, किसी तरीके की इनकी कोई मीडिया कवरेज ना दे, जब इन्हें पत्रकारों से ही अपनी जान का खतरा है तो मीडिया को ही आखिरकार ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी मुद्दे को लेकर मीडिया को क्यों आमंत्रित करते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और पत्रकारों का कहना है कि लगातार जो है इस मामले को लेकर वो बने हुए हैं और इसमें जो है वो जिला अधिकारी से भी मिलेंगे और पुलिस से भी मिलेंगे और इसमें कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। जी ठीक है सलमान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा कि आपने सुना कि हमें संवाददाता सलमान ने बताया कि पत्रकारों ने इस मामले में पुलिस प्रशासन से भी जुड़ने की बात कही है, पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर हरिद्वार से थी, जहां पत्रकारों के सवालों से बौखलाए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक विवादित बयान दिया था, जहां उन्होंने पत्रकारों को हत्यारा करार दिया था। उन्होंने पत्रकारों की तुलना हत्यारों से की थी। उनका कहना था कि क्या भरोसा कौन पत्रकार कब गोली मार दे। पत्रकारों के सवालों का जवाब ना दे पाने पर वो बौखला गए थे और उन्होंने भी ये विवादित बयान दिया था।